जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए कि इस वीडियो में हम लोग UPPSS 2024 के प्री एग्जाम के सी सेट इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश की तीसरी प्रैक्टिस सेट, इससे पहले हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रखा है और एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्लास को। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। दियर द फ्रेश फेरिक विक्ट्री स्टैंड फॉर, जो फेरिक विक्ट्री है इसका मतलब क्या होता है? तो फेरिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसे जीत जो बहुत ज्यादा नुकसान होने पर आई हुई है, मतलब बहुत हाई कॉस्ट पे आपको जीत मिली है। देखिए, इजली विक्ट्री नहीं होगा, ऑनेस्ट विक्ट्री ये भी नहीं होगा, विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 32 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू वेनरेट। वेनरेट के अपोजिट क्या? तो वेनरेट जो होता है, वेनरेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट है, ऑनर बाई हो गया, तो ये वेनरेट होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कंडेम्ड। देखिए यहाँ पे कंडेम्ड क्यों होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट तो पहले ही दिया, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सेवेयर मतलब अत्यंत तीव्र होता है, ये नहीं होगा, और इनिशिएट मतलब प्रारंभिक, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कंडेम, बिल्कुल सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर का प्रश्न क्या दिया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग, आपकी मदद के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। विदाउट योर हेल्प व्हाट कैन ही डू, ये नहीं होगा, है ना। अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, तो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर का प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो वर्ड अंडरलाइन किया गया राउंड, इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखिए सेंटेंस क्या, द बॉयज रन अराउंड द ट्री, बच्चे पेड़ के चारों तरफ दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, है ना, और पेड़ के चारों तरफ, ये आपका एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन है ना, द ट्री भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे आपने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में डेफिनेशन पढ़ा होगा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस होता है और इसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाता है। तो जो राउंड है ना, ये द ट्री, मतलब यहाँ पे नाउन के पहले प्लेस हुआ है और इसका रिलेशन द बॉयज से दर्शा रहा है, तो यहाँ पे एकदम सेटिस्फाइड हो रहा है प्रीपोजिशन के लिए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, टीचर ने मतलब बॉयज को क्या किया, ये बोला है कि आपको चुप रहना। देखिए द टीचर सेड दैट द बॉयज, देखिए यहाँ पे सेड दैट द बॉयज ये नहीं होगा, तो यहाँ पे पहला नहीं हो पाएगा, है ना। टीचर ने कॉल्ड किया ये भी नहीं होगा, है ना। टीचर देखिए, टीचर क्या करेंगे, अर्ज करेंगे, ऑर्डर देंगे, ये होगा। यहाँ पे कमांडेड ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है द टीचर अर्ज द बॉयज टू बी क्वाइट, बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36 में क्या दिया, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव्स, है ना। यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं जिसके साथ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही, मतलब लड़का अपनी माँ से पूछता है कि इफ मतलब यदि, ही कैन गो आउट, है देखिए इफ लगा है तो इफ के साथ कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, है ना, डिड भी नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हो जाएगा ही माइट गो आउट, विकल्प बी इसका बिल्कुल सॉरी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37 में दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस ब्लैंक को फिल करना। देखिए इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट माई बिलोंगिंग्स, मतलब मेरे जो बिलोंगिंग्स है उसके साथ, मतलब यहाँ पे पार्ट क्या होगा, तो पार्ट विथ आएगा कि फ्रॉम आएगा कि अवे आएगा कि ऑफ आएगा। देखिए पार्ट ऑफ ये पार्ट अवे दोनों तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो पार्ट विथ हो जाएगा, मतलब पार्ट विथ का मतलब अपने बिलोंगिंग। देखिए पार्ट विथ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है कि मतलब थोड़ी सी समस्या होना, है ना। तो यहाँ पे मतलब सॉरी पार्ट विथ मतलब के साथ, माफ कीजिएगा के साथ होगा। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विथ माई बिलोंगिंग्स, मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है कि अपने बिलोंगिंग्स के साथ क्या किया जाए, मतलब पार्ट विथ हुआ जाए, हिस्सा लिया जाए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या है,
पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ एरोडाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। एरोडाइट का जो सिनोनिम्स है पर्यायवाची, इसको आपको चूज करना है। तो एरोडाइट का जो मतलब होता है, एरोडाइट का मतलब होता है स्कॉलर। स्कॉलर मतलब जो विज्ञान से जुड़ी चीज है ना, स्कॉलर हो गया, नॉलेजेबल हो गया, है ना, ये सब चीजें होती है। तो देखिए, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब नहीं होगा, है ना। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी काम को पूरा करना, है ना। एक्सपांस मतलब प्रशस्त होता है, लागू हो गया, है ना। सेटल ये भी नहीं होगा। तो एकेडमिक, एकेडमिक का जुड़ाव क्या है, साइंस से है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। नॉलेज से जुड़ाव है तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है हु किल्ड द स्नेक। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हु किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, है ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका मतलब यह है कि आप जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज मिलेगा, क्योंकि स्नेक क्या है, सिंगुलर। देखिए पहले में वाज ये हो सकता है, दूसरे में वाज है, तीसरे में वाज है, देखिए चौथे में वाज नहीं तो पहले एलिमिनेट हो गया, चौथा इलिमिनेट हो गया। अब इन बचे हुए तीन ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। अब देखिए आपने हु का रूल पढ़ा होगा, हु के साथ हमेशा बाई हुम आता है, तो देखिए यहाँ पे बाई हुम नहीं लगा तो ये भी इलिमिनेट हो गया, क्योंकि बाई हुम नहीं है, है ना। हु जो सब्जेक्ट होता है, जब इसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हुम मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए बाई हुम जैसा कुछ नहीं दिख रहा, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। अपने इलिमिनेशन मेथड से इसको आसानी से कर लिया। अगर कभी भी आपको ऐसी चीजें नहीं आती तो आप आराम से इलिमिनेट कर सकते। देखिए बाई हुम वॉज द स्नेक किल्ड, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प बी। क्वेश्चन संख्या 40 क्या क्या दिया यहाँ पे, देखिए ये चलिए देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ क्या करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है। आई ट्राइड टू हेल्प हिम, फिर यहाँ पे एक गैप दिया है, द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मतलब विकल्प भरा जाएगा, आई ट्राइड टू हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। एट का कोई सेंस नहीं दिख रहा है, फ्रॉम मतलब अलगाव के लिए होते हैं, ऑफ भी नहीं आएगा, टू, है ना, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41, है ना। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 41 से 45 के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्या दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। आपको पैसेज को पढ़ना है और इसके आधार पे उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो दिया गया है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं पैसेज क्या है। देखिए पैसेज को आपको आराम से पढ़ना है। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, स्पीच जो होता है मतलब जो भाषण होता है, जो अब स्पीच दिया जाता है, इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये एक बढ़िया आशीर्वाद है। बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्ज, लेकिन ये अभिशाप भी बन सकते हैं। फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक अवर इंटेंशंस एंड डिजायर नोन टू अवर फेलोज। देखिए फॉर विच, क्योंकि इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है, टू मेक अवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स, कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पहुँचा दिया जाए, नोन टू मतलब पहुँचा दिया जाए, अवर फेलोज जो हमें मतलब हमें फेलोज हैं जो हमें जानने वाले हैं उनके पास पहुँचा दे। इट कैन ऑल्सो इफ़ वी यूज इट केयरलेसली मेक अवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। अगर हम इसको ना केयरलेसली यूज करते हैं तो हमारे मतलब जो एटीट्यूड है, जो भावना है, उसको मतलब मिसअंडरस्टूड करा देगा। फिर आगे अ स्लिप ऑफ टंग, अगर आपकी जुबान थोड़ी सी फिसलती है, द यूज ऑफ एन अनयूजल वर्ड, अगर आप कुछ असाधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं, आर ऑफ एन एम्बिगुअस वर्ड, या फिर आप कोई एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी, मतलब आप कुछ अस्पष्ट बोलते हैं, तब क्या होगा, एंड सो ऑन, अगर इस प्रकार कुछ होता है, मे क्रिएट एन इनिमी, यह आपको एक शत्रु दे देगी, वेयर वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड, जहां हम एक मित्र बनाने के उद्देश्य से गए थे। मतलब देखिए ये बोला जा रहा है, जो स्पीच है ना, स्पीच एक अच्छी चीज है, अगर आप स्पीच देते हैं या मतलब आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अपने जानने वाले लोगों के पास तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक तरीके से अभिशाप भी। क्यों अभिशाप है, कि अगर आप कभी केयरलेसली बोल देते हैं कुछ, है ना, अगर मान के चले कुछ मिस अंडरस्टूड हो जाता है, आप कहना कुछ और चाहते थे, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, या फिर आपने कुछ अनयूजुअल वर्ड बोल दिया, तो जहां आप मित्र बनाने के चक्कर में गए थे ना, वहां पे आपको एक शत्रु मिल जाएगा। फिर आगे है अगेन पुनः, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज, एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज पंपस। देखिए बोला जा रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, मतलब उनके शब्द अलग अलग हैं। जैसे अगर एक साधारण स्पीच है जो पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है, तो जो अशिक्षित व्यक्ति मतलब अनएजुकेटेड श्रोता है, उसके लिए क्या होगा, उसको एकदम पंपस लगेगा, एकदम बेकार सा लगेगा। आगे अनविलिंगली वी मे यूज अ वर्ड विच हियर्स अ डिफरेंट मीनिंग टू अवर लिसनर फ्रॉम वट इट डज टू मेन ऑफ अवर ऑन क्लास। देखिए ये बोला जा रहा है कि अगर आपको मतलब ये करना है ना, तो आपको देखिए जो लिसनर है ना, लिसनर के क्लास का ही आपको मतलब स्पीच देना पड़ेगा जैसा वो सुनना चाहते हैं। दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट। मतलब ये बोला जा रहा है कि स्पीच ना ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे आराम से इसको यूज कर लीजिए, बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। मतलब इसकी डिमांड है ना कि स्पीच आपको देना है तो आपको बहुत सावधानीपूर्वक इसे हैंडल करना है। ओनली अ फुल विद एक्सप्रेस
हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड ऑफ कंडीशन ऑफ मैन, मतलब यहाँ पे इसका जिक्र किया गया। तो आपको पैसेज पूरा समझ में आ चुका है स्पीच के बारे में बोला गया। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे और आपको इसका उत्तर कैसे देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड इज टू अवॉइड, अगर आपको फ्रेंड बनाना है मतलब आपको दोस्तों को जीतना है ना, तो आपको किस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस पैसेज में जिक्र किया गया था कि आपको केयरलेसली नहीं बोलना है ना, और इसके साथ देखिए मिसअंडरस्टूड नहीं कराना है, या और नहीं आपको ना एम्बिगुअस वर्ड बोलना है, एम्बिगुअस मतलब द्व्यर्थी। तो इस विकल्पों में से देखेंगे तो यहाँ पे दिया एम्बिगुअस इन स्पीच है ना, आपको अवॉइड क्या करना है कि आपको कोई भी द्व्यर्थी स्पीच नहीं देना है, मतलब स्पष्ट एकदम बताना है, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 42 नंबर का है। वाइल टॉकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन वी शुड यूज, हम मतलब किसी अनएजुकेटेड पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं, देखिए यहाँ पे बोला गया था लास्ट में ना कि किसी को आपको स्पीच देना, तो जिस वोकैबुलरी का वो प्रयोग कर रहा है उसी का आपको करना चाहिए। तो हिज वोकैबुलरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। इफ वन यूजेस द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरी वन वन साउंड, देखिए अगर आप एक ही जैसे मतलब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे। देखिए एकदम लास्ट लाइन में जिक्र किया गया था कि आपको मूर्ख समझेंगे, तो यहाँ पे फुलिस हो जाएगा, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीच बिकम्स अ कर्स इफ इट, स्पीच जो है ना ये अभिशाप बन जाता है, तो कब अभिशाप बन जाता है, देखिए जब हर्ट्स अदर, ऐसा जिक्र नहीं किया गया था, लीड्स टू केयरलेसनेस है ना, देखिए ये भी कोई विशेष दबाव नहीं दिया गया था, क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कभी भी मिस अंडरस्टैंडिंग बन गया तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिशाप बन जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीच इज अ गिफ्ट, स्पीच आपके लिए गिफ्ट है, कब, इफ इट क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्रिएट्स कंटेंशन, तो ये नहीं हो पाएगा है ना, कम्युनिकेट्स अवर मीनिंग क्लियरली टू अवर फेलोज, मतलब हमारे जो मतलब फीलिंग्स है ना उसको हमारे जानने वालों के पास एकदम अच्छे से पहुंचा दे, तो ये विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आज की हम लोगों की थर्ड क्लास रही, इसको हमने डन किया, अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास।